आज का ट्रैक है साथ या खिलाफ कृष्णा एक्स रफ्तार। जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि क्या करने वाले हैं इस बारे लोग, और बाकी बाकी तो सब हमें देखने के बाद ही पता लगेगा एंड उसके बाद ही हम आगे की बातें करेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। Yeah, dollar sign, Raftar. जीता कौन हारा कौन गेम चला रहा कौन सारे चका चौन दिस लेवल का साला कौन इज द हैंड ऑफ गॉड जैसे मैं हूँ मैराडोन आ मेरे शहर में दिखा दूँ तुझे ज्वाला कौन मुझे ओके। सो ये जो रेफरेंस था वो अर्जेंटीना फुटबॉलर मैराडोना से लिया गया है, मतलब एक फ्रेज है ये जो कि है गॉड ऑफ हैंड हैंड ऑफ गॉड जो भी है वो मैराडोना के लिए यूज होता है, तो आई थिंक ये वहीं से लिया गया। आई थिंक क्या ये वहीं से लिया गया। ओके आगे देखते हैं। मुझे खबर है कबर में भी अमर है मेरा नाम दे सम्मान इस शाम का बोल उजाला कौन रैप के रेगिस्तान में मैं वो इंसान जिसका हक से नाम जैसे इल्जमाम बिन सहारा कौन सुन लो सूचना फिर बाद में मत पूछना सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे जूस का पहलवान हूँ मैं बूथ का पूछे अगर सबूत का 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था ले ले एडवाइस। ओके तो ये है इनका रेफरेंस दिया गया एक्चुअली प्रूफ एक रैपर थे एंड मे बी कृष्णा को 1999 वाले एमिनेम से कंपेयर कर रहे हैं एंड मेरे पेन में ही प्रूफ था। सो आई थिंक दिस इज वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट कि उनकी राइटिंग बिल्कुल प्रूफ जैसी थी। ओके सो या आई थिंक इट कैन बी ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। ले ले एडवाइस अब माइक पे मैं नाइस अब बर्फ लगा ले चोट पे ओनली टाइम दैट यू आई स्टॉप खेल में थे भाई सब बनाया मैंने फाइट क्लब मेरे बार देते रैपर्स को शॉट जैसे ये नाइट क्लब लाइट अप छोटे तू कलो ना हो एक रैपर को लगा होगी चांदी उसकी परसोना दो ट्रैक पे बनते हैं शेर असलियत में जो ना वो पास भी नहीं आते मेरे आई कॉल इट कोरोना फ्लो यू नो हाउ वी राइट कलमकार गैंग मींस होमसाइड बोल बने जाली क्यों बात को दबाली क्यों फेम का भिखारी तू मैं एम से शिकारी हूँ या तो मेरे साथ तू या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात इफ यू रनिंग विद द ऑप्स या तो मेरे साथ तू या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ या तो मेरे साथ तू या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात इफ यू रनिंग विद द ऑप्स या तो मेरे साथ तू या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात और ये बात ये भागीदारी जैसे मॉब डीप RIP टू प्रोडिजी काफी ने ना सुने काफी पहले फैले वॉनबीज RIP टू JB ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय एनिमीज आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही नहीं तो तक ओके ओके ओके। सो मॉब डीप एक अमेरिकन हिप हॉप डुओ था तो यहाँ पर रफ्तार खुद को एंड कृष्णा को उनसे कंपेयर कर रहे हैं मतलब ये भागीदारी कोलैब जैसे मॉब डीप। साथ ही यहाँ पर उन्होंने काफी और भी रैपर्स को रिस्पेक्ट दिया है जो कि अब हमारे बीच नहीं है एंड बाकी जो ये बात है काफी ना सुने काफी पहले पहले वाना बी। ओके सो जितने भी ओल्ड रैपर्स थे या फिर जितने भी रैपरों के नाम इन्होंने यूज किए हैं इस वीडियो में यहाँ पे आजकल के रैपर्स को टारगेट करते हुए कह रहे हैं काफी नए ना सुने काफी पहले पहले वाना बीज लाइक काफी लोगों ने अभी तक नहीं सुने उन रैपर्स को अभी तक नहीं सुना है और बहुत से रैपर्स वाना भी बनते हैं मतलब उनके जैसा बनते हैं खाली शो करते हैं लाइक दैट। तो तक में शोहरत देके भी चौखट पे सौबत बैठेगी नौटंकी चौपट मैंने की मिली दगा है पहले भी डोनट लगेगा गाड़ी में पन्नी चढ़ी थी मैंने ली कन्नी कटेगी तेरी ही पैदा हुआ मैं शहरी नी कच्ची कैरी के गहरी साजिश के खाओ कॉफी हल्की खरोचे है खफा पड़ी है डाओ कॉफी चलते जहाजों से जिनकी चलती ना नाव काली कलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी पाओ पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी गुर्बत कर दी दूर मशहूरी मेरी मजबूरी कलाकारी गुरूर कसूर मेरा इतना मैं बना खुली तंदूर बंदे आए रोटी से की मेरी बोटी रहे घूर अब ग्लिच बॉय मैं ही हूँ नियो बिच बॉय पिटने वाले स्मिथ है सारे जिनके पीछे इच बॉय ध्यान मेरा अपनों पे है करना उनको पिच बॉय ओके तो ये बार लेट करता है हमारा ग्लिच बॉय द मैट्रिक्स एक फ्रेंचाइजी है जिसमें जो कि बेस्ड है मैट्रिक्स ग्लिचेस पर। ओके एंड उसमें एक नियो है फिक्शनल कैरेक्टर सो ही इज सेइंग ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ नियो विद नियो या यही बात है। उसके बाद उन्होंने बोला पिटने वाले स्मिथ है सारे जिनके पीछे एच बॉय ऑस्टिन स्मिथ करके एक बच्चा था जिसको ही वॉज बीटन टू डेथ। ओके और बाकी मैं सारा नहीं बता सकती तुम लोग खुद गूगल कर लेना ऑस्टिन स्मिथ करके और 23 मंथ ओल्ड बेबी वॉज को पिच बॉय न्यू
news flash from the future, karma is the rich boy. Kalamkar, we be going high. Aap bhi mere saath, jhoothe pehle mere bhai. Hai sapne mari gaant, ye ke we go out and die. फ्लैश फ्रॉम द फ्यूचर कर्मा इज द रिच बॉय, ये क्या था? ये कुछ आने वाला है आगे काफी बड़ा, जो कि काफी ह्यूज होने वाला है, या फ्रॉम कर्मा मे बी. सो ये हिंट्स थे कुछ, ये कुछ हिंट्स थे. ओके, वो तो आगे पता लगेगा, आगे देखते हैं. पाले मैंने सांप, अब सपेरा बोले माया. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात इफ यू रनिंग विद द ऑप्स. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात तो ये बात पूरी साफ. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात इफ यू रनिंग विद द ऑप्स. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात तो ये बात पूरी साफ. इफ यू कैन, would you ride for me? Would you fight for me? Tell me, would you die for me now? If you gang, would you ride for me? Would you fight for me? Tell me, would you die for me now? If you gang, okay, cool. Mix and mastered by Abhishek Ghatak, जो कि काफी सही हुआ था. और बाकी मेरे को काफी सही लगे, मतलब बीट्स काफी काफी डोप लगे. वीडियोग्राफी वॉज अमेजिंग, विजुअल्स अमेजिंग. आई मीन कितना सही ट्रैक था, बहुत ही सही ट्रैक था. और मतलब आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई अच्छे से ब्रेक डाउन करे इसको. अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में किसका नाम आ रहा होगा. एंड हुक में भी काफी चीजें थी, उन्होंने हुक से क्लियर कर दिया था. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ तुम, इससे बीच का कुछ भी नहीं है, ठीक है. या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, क्लियर. फिलहाल मेरे को काफी सही लगा ये ट्रैक. अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, देख ही चुके हो यार, नई लेट हो जाती हूँ हमेशा. अगर तुम लोगों ने फिलहाल अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेक करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में. और अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो, मेरा टूटा फूटा सा ब्रेकडाउन, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा और आगे मुझे करना चाहिए या नहीं. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन स्टे सेफ एंड पीस.